हे दोस्तों, वेलकम बैक टू बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाला है हिंदी में, क्योंकि एक मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, जिनका नाम है कपिल, यूपी से है। उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया है कि सर जी, शॉटपुट आगे बढ़ाने के लिए क्या एक्सरसाइज करना है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी, वो मेरे को बताओ। तो कपिल भाई के लिए आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, और उन सारे तमाम जितने मेरे भाई हैं जो लोग शॉर्ट पुट करते हैं, डिस्कस करते हैं, बोथ है, सबके लिए आज ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके पहले जो आप लोग मेरे चैनल में नए आए हों, वो बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो और यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मदद कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो लेटेस्ट अपडेट मिलने के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हिंदी में। तो कपिल भाई का जो जवाब है वो हम लोग देंगे अभी अपने वीडियो में। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को देखना एंड तक। मेरा आज सबके पास जवाब जाएगा कि शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे जितने सारे बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स के दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी हो, तो चलो आज का जो टॉपिक है वो है कि शॉर्ट पुट के लिए या डिस्कस के लिए अपर बॉडी या लोअर बॉडी वर्कआउट क्या क्या अच्छा होता है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ अपना। मैं खुद एक शॉर्ट पुट थ्रोअर एंड डिस्कस थ्रोअर हूँ, और मैं 2019 में नेशनल में 4th रैंक, और मेरा हाइस्ट शॉर्ट पुट थ्रो इन प्रैक्टिस है 18 मीटर एंड कंपटीशन थ्रो है 17 मीटर, और डिस्कस में मेरा प्रैक्टिस थ्रो है 52 मीटर एंड कंपटीशन में है 46 मीटर। तो दोस्तों, मैं हाल ही में अभी प्रैक्टिस थोड़ा मेरा डाउन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा ड्यूटी आवर्स है, तो बहुत कुछ है, उसके साथ साथ यूट्यूब भी मेंटेन करना पड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ा कम हो रहा है। तो हो गया, चलो वीडियो शुरू करेंगे। उसके पहले दोस्तों, एक चीज़ पहले हम लोगों को जानना है कि शॉर्ट पुट कैसा गेम है, एंड शॉर्ट पुट से कौन सा मसल का एक्टिविटी ज़्यादा रहता है ताकि शॉर्ट पुट थ्रो लंबा निकल सके, शॉर्ट पुट थ्रो ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले हम लोगों को पता लगाना है कि शॉर्ट पुट में सबसे इम्पॉर्टेंट मसल क्या है। अगर कोई एक सेंटेंस में पूछेगा मेरे से कि भैया शॉर्ट पुट में सबसे इफेक्टिव मसल क्या है, तो मेरा जवाब होगा पूरा फुल बॉडी। क्योंकि फुल बॉडी टेक्निकली जब इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा, तभी गोला या डिस्कस आगे बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, जो कपिल भाई मेरे को मैसेज किया है, वो कपिल भाई मेरे को और भी एक चीज़ पूछा है कि भैया 14 मीटर तक तो मेरा थ्रो निकल गया, लेकिन उसके बाद थ्रो बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करे, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करे ताकि अपना थ्रो बढ़ जाए, थ्रो अच्छा इम्प्रूव हो जाए। तो कपिल भाई के लिए मैं आज ये वीडियो में पूरा डिस्क्लोज करूँगा कि कौन सा वर्कआउट एक्चुअल में करना चाहिए शॉर्ट पुट थ्रो को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों, आ जाते हैं नंबर वन वर्कआउट में, जो शॉर्ट पुट थ्रो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसका महत्व सबसे ज़्यादा है थ्रोइंग इवेंट्स में, वो है क्लीन एंड जर्क। सही सुना, क्लीन एंड जर्क। मैं यहाँ पे क्लीन एंड जर्क का एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्लीन एंड जर्क को करना है, और क्लीन एंड जर्क एक्चुअल में है क्या, और ये शॉर्ट पुट में क्या बेनिफिट देता है। क्लीन एंड जर्क दोस्तों, हम लोगों को पता है ओलंपिक वेट लिफ्टिंग गेम्स के अंदर आता है, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच दो है। तो क्लीन एंड जर्क कैसे करना है, ये है प्रोसेस। एंड क्लीन एंड जर्क करने से क्या बेनिफिट होता है, असली में अगर शॉर्ट पुट आपको दूर तक फेंकना है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है हिप थ्रस्ट और कमर का जर्क। मतलब बॉडी जितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा, उतना ज़्यादा आपका गोला दूर जाएगा। तो ये एक्सप्लोजिवनेस वर्कआउट के अंदर ही आता है, और अगर बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कोई रेडी कर सकता है या कोई वर्कआउट बना सकता है, वो है क्लीन एंड जर्क। उसी से आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव रेडी होगा या पैदा होगा, जिससे आपका गोला ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया एक नंबर वर्कआउट। उसके बाद दो नंबर वर्कआउट में आता है, जो बेंच प्रेस का मदर वर्कआउट भी हम लोग बोल सकते हैं, वो है बेंच प्रेस, मतलब फ्लैट बेंच प्रेस, जो कि करना है हम लोगों को बड़बेल के साथ। ये भी डेमो में आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जो करना है हम लोगों को बड़बेल के साथ, बड़बेल में प्लेट लगा के मारना है, और डे बाई डे हम लोगों को वजन को इंक्रीज करना है। जितना फास्ट और जितना हेवी आप लोग बेंच मारते रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का शॉर्ट पुट बढ़ता रहेगा, बहुत ही फास्ट, बहुत ही आगे। बेंच प्रेस के साथ शॉर्ट पुट का बहुत ही पुराना आता है। अगर हम लोग प्रीवियस जितने बड़े बड़े शॉर्ट पुट थ्रोअर हैं, जैसे कि रैंडी बर्न्स है, उल्फ टिम्बरमैन है,
जितने सारे या तो यूएसए के क्रिश्चियन कैंटवेल है, ऋषि होपा है, बहुत सारे हैं, मैं कितनों का नाम बताऊं, तो जितने सब अच्छे अच्छे थ्रोअर है जो कि सब 23 मीटर लगा के चुके हैं, अभी तो वर्ल्ड में जो रूलिंग चल रहे अपने रायन क्रॉजर उनका भी आप लोग देख लो, तो जितने सारे अच्छे शॉर्ट पुट थ्रोअर है सबके पास एक बहुत ही तगड़ा बेंच है, बहुत ही तगड़ा बेंच जो कि पावर लिफ्टिंग लेवल तक जाता है, वो बहुत हेवी उठाते हैं किसी भी एक का, जैसे हम लोग क्रिश्चियन कैंटवेल का ही पकड़ के चलते हैं, क्रिश्चियन कैंटवेल का 300 प्लस बेंच प्रेस है, तो ये जो 300 प्लस बेंच प्रेस है तभी जाके वो 23 मीटर थ्रो नहीं किए हुए, उनका प्रैक्टिस में 23 मीटर थ्रो है लेकिन ऑन कॉम्पिटिशन वो 22 प्लस थ्रो लगा के रखे हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक बड़ा अमाउंट का थ्रो है। तो दोस्तों ये बेंच प्रेस भी शॉर्ट पुट थ्रो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, जो कि थ्रो को बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा एंड हाथ का जो एक्शन है या हाथ का जो थ्रोइंग मतलब स्पीड है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो हो गया दो नंबर वर्कआउट बेंच प्रेस, अब आते हैं तीन नंबर वर्कआउट में हम लोग क्या रखेंगे, फुल स्क्वाट। सही सुना, फुल स्क्वाट। ये भी सेम प्रोसेस है, मतलब जितना ज़्यादा आप इसको तगड़े तरीके से कर पाओगे, जितना हेवी आप इसको लिफ्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके पास एक अच्छा थ्रो होगा, क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट पुट थ्रो का टेक्निक करते हैं, चाहे वो स्प्रिन हो चाहे वो ग्लाइड हो, उस टेक्निक में पैर का जोर बहुत ही ज़्यादा लगता है। स्पिनिंग में अगर बोलेंगे तो थोड़ा कम, मतलब 100 में से 60% लगता है पावर स्पिनिंग में, लेकिन 100 में से 99% पावर जो लगता है ज़्यादा वो है ग्लाइड में। तो ग्लाइड आप तभी तगड़ा कर पाओगे जब आपके पास एक तगड़ा ह्यूज अमाउंट में फुल स्क्वाट होगा, जितना अच्छा आप फुल स्क्वाट मार पाओगे उतना तगड़ा आपका टेक्निक होगा। टेक्निकली तो टेक्निक वो करना ही है प्रैक्टिस, लेकिन बेस ऑन टेक्निक जो है ग्राउंड के साथ पैर का जो अटैचमेंट है वो आएगा आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फुल स्क्वाट से। तो फुल स्क्वाट भी आप अपने खाते में नोट कर लो कि फुल स्क्वाट भी करना है आपको। कपिल भाई आप भी नोट कर लो कि फुल स्क्वाट करना है, फुल स्क्वाट करने से आपका जो बेंच अपना जो शॉर्ट पुट थ्रो है वो बढ़ेगा। और एक चीज़ जो एक अच्छा मज़ेदार ट्रिक है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है अभी नहीं लास्ट में बताऊँगा वो ट्रिक क्या है, वो लास्ट में बताऊँगा। उसके पहले और दो छोटे छोटे एक्सरसाइज का नाम मैं बता देता हूँ, जो कि आपको आपके प्रैक्टिस में मतलब जिम वर्कआउट प्रैक्टिस में ऐड करना है, वो वर्कआउट दो अभी मैं बता देता हूँ। एक है पुलअप या चिनअप। पुलअप या चिनअप अपने बॉडी वेट को आप कितना ज़्यादा पुल कर पाते हो वो भी बहुत मैटर करता है शॉर्ट पुट में। ये हो गया फोर्थ वर्कआउट, पुलअप से भी आपका थ्रो बहुत इंक्रीज होगा। ये हो गया फोर्थ वर्कआउट। अब आते हैं पाँचवें वर्कआउट में, लास्ट वर्कआउट में, वो है हिप थ्रस्ट। ओके, तो हिप थ्रस्ट करने से क्या होगा, आप जितना ज़्यादा हिप थ्रस्ट करोगे, हिप थ्रस्ट वर्कआउट का भी डेमो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा हिप थ्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके ग्लूट्स में आपके हिप्स में पावर आएगा, आपके कोर पोर्शन में पावर आएगा, ताकि आप जो बॉल को टर्न करके या आप जो ग्लाइड करके पावर पोजिशन में आते हो, पावर पोजिशन से आपको बॉल धकेलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा। तो ये हो गया पांचवा वर्कआउट। अब आते हैं छोटे से ट्रिक्स में, जो कि मेरा मानना है, जो कि मैं अपने करियर में जब शॉर्ट पुट करता था तो मेरे को बहुत फायदा हुआ था इस चीज़ से, मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूंगा। वो है कि जब भी शॉर्ट पुट एक जगह में अटक जाता है या बंद हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग थ्रो लगाना है। स्टैंड थ्रो आपका जितना बढ़ेगा उसके साथ प्लस 1.5 टू प्लस 2 मीटर का थ्रो बनना ही बनना है टेक्निक में। तो दोस्तों स्टैंडिंग थ्रो तभी बढ़ेगा जब आप लोगों का एक अच्छा या तगड़ा बेंच प्रेस होगा, आप लोगों का पास एक तगड़ा स्क्वाट होगा या आपके पास एक बहुत ही अच्छा हिप थ्रस्ट का वजन होगा, तो इस चीज़ में आप लोगों का स्टैंड थ्रो आराम से बढ़ेगा। और अगर स्टैंड थ्रो बढ़ता है तो फुल थ्रो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाया वो आप लोग समझे। और दोस्तों हिंदी में बनाने के पीछे जो रीज़न है कि जो क्वेश्चन कपिल भाई ने मेरे को किया है वो यूपी से बिलोंग करते, वो हिंदी में जानना चाहते, तो मैंने हिंदी में बनाया ये वीडियो। और उम्मीद करता हूँ देखो भाई कि अगर मैं बंगाली में वीडियो बनाता तो जो अपने कपिल भाई है या जो अपने भाई है जो नॉन बंगाली है उनको समझ में नहीं आता,
लेकिन हिंदी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो अपने जितने बंगाली भाई है उनको भी समझ में आएगा और अपने नॉन बंगाली भाइयों को तो समझ में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए रीज़न था ये वीडियो को हिंदी में बनाने के लिए। आगे और भी तगड़े तगड़े वीडियो ऐसे ही मैं बनाते रहूँगा। तो दोस्तों आज का ये शॉर्ट पुट के ऊपर जो वीडियो है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक और उसके साथ दोस्तों को शेयर कर दो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दो अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों बीस्ट मंत्रा में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे मिलते रहेंगे, मिलेंगे बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद बीस्ट मंत्रा एंड स्टे हेल्दी विद बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स।